उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत जिले के थाना बीसलपुर क्षेत्र के गांव विलासपुर में हुई दो सगी बहनों की मौत पर शाहजहांपुर विश्वकर्मा समाज के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा एवं भाजपा नेता अवनीश शर्मा रामू शर्मा भारी संख्या में समाज के लोगों के साथ आईजी राजेश पांडे से शाहजहांपुर के विकास भवन में मुलाकात की और उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा हो रही जांच निराधार है जो संदेह के घेरे में है। आरोप यह है कि स्थानीय पुलिस पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाकर फर्जी बयान दर्ज कर उन्हें फर्जी फंसाकर जेल भेजने की धमकी दे रही है। अगर बीसलपुर पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष को बेगुनाह जेल भेजा गया तो हिंदू संगठन एवं विश्वकर्मा समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। 24 मार्च को जिला पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के सोनी भट्टे पर काम करने वाली दो सगी बहनों की मौत हो गई थी। सगी दो बहन पूजा उम्र 20 वर्ष, अंशिका उम्र 18 वर्ष, पुत्री स्वर्गीय भूपराम की संदिग्ध मौत हो गई थी। बच्चियां सोमवार शाम 5:30 बजे भट्टे का काम निपटाकर मुंशी महेश से बात करके शौचालय के लिए निकल गई थी। 20 मिनट में घर वापस आने की बात कहकर दोनों घर से शौच के लिए निकली थी। वक्त रहते वापस घर न लौटने पर उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जिसके बाद पूजा का शव बरामद हो गया। वहीं सुबह अंशिका का शव खेत में पड़ा पेड़ से लटकता हुआ मिला। दरअसल दोनों बहनें ही भट्टों पर काम करती थी। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन राजेश पांडे ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारत 18 न्यूज से तारिश शर्मा की रिपोर्ट। मालिक को बचाने का पूरा काम कर रही है और अनर किलिंग का रूप देकर पीड़ित परिवार को ही फंसाने का काम कर रही है। इस बात की शिकायत हमने डीआईजी से की है, शासन प्रशासन पर की है और पीड़ित परिवार को बचाने का हमको न्याय दिलाने के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है? इससे बड़े नेता उस भट्टा मालिक की पैरवी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग इस भट्टा मालिक को इसमें इन्वॉल्व है, जो भट्टा कांड के लिए दोषी है उसको बचाने का काम कर रहे हैं। और हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश का विश्वकर्मा समाज के लोग जो है वो एकजुट है और इसकी लड़ाई हम दूर तक लड़ेंगे और पीड़ित परिवार को